मैंने तो ज़्यादातर इनकी फिल्में देखी हैं जिनके जिसमें मतलब इनके पास एक ना एक सुपर कार या सुपर बाइक होती है। मतलब आप ट्रिपल एक्स ले लो, ट्रिपल एक्स उसके देख पार्ट्स ले लो, लो, वो उसके बाद जो भी ये सीरीज आई है फास्ट एंड उसमें फास्ट एंड फ्यूरियस, फ्यूरियस की, तो भाई साहब ये मतलब उन फिल्मों में ना ये जान बहुत डालते ही हैं। जान डाल देते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर एक बार फिर से। मेरा नाम है मुनीष मेरा नाम विजेंद्र। और आज जिस वीडियो के ऊपर हम रिएक्शन करने वाले हैं वो है ट्रेलर ब्लड शॉट का। और इसमें वैन डीजल जो है वो मेन लीड में है। करेक्टर में डिस्क्रिप्शन पढ़ रहा था अभी इस ट्रेलर की, तो बहुत एक फेमस कॉमिक बुक है ब्लड शॉट, आपने भी पढ़ी होगी। मैंने देखी हुई है, मतलब ऑनलाइन ही पढ़ी थी मैंने, तो उसके ऊपर बेस है। तो कॉमिक बुक थोड़ी फैंटेसी होती है, लेकिन ओरिजिनल में कैसे बनाया गया उसको देखना पड़ेगा। हालांकि ब्लड शॉट का मैं आपको बताऊं, जब मैंने पढ़ी थी वो, तो मुझे मैंने एक सोर्स कोड मूवी देखी थी, मुझे उसके जैसा सोर्स लगा कोड था। था ना? थोड़ा सा मुझे लगा कि वॉल्वरिन ने उसके अंदर ऐड कर दिया है, अच्छा। तो वो हील कर जाता है, वो वॉल्वरिन भी हील कर जाता होता वही है, तो। तो वैसा कुछ है। देखते हैं ट्रेलर के अंदर क्या है। हो गया ना ठीक। अच्छा, एंड इनिशिएट सीक्वेंस। सोनी कोलंबिया पिक्चर। I'm sorry to be the one to tell you this, but you got yourself killed. At our esteem, we rebuild the most important assets in the U.S. military. Soldiers like yourself. You're the first who we successfully managed to bring back. Improved, enhanced. With the technology in your veins, you have an army inside you. It will not only make you stronger, it will heal you instantly. No. Now tell me, do you remember anything? Where are you going? I've got unfinished business. Okay. You murdered my wife to kill her. मैं कह रहा हूँ ना, सोर्स कोड हो गया ना। भाई साहब क्या था ये क्या था ये खतरनाक साल है यहाँ। उसको देखा मुंह कैसे जाता है, वो ही भाई एक फिर वापस आ खतरनाक जाता है। सबसे खतरनाक वही था। तो बॉडी के अंदर उसने बताया कि नैनो टेक्नोलॉजीज डाल दी हैं, मतलब छोटे छोटे, एक पूरी आर्मी है तुम्हारे अंदर। वाह। मतलब कोई भी काट होगा, कुछ भी होगा, इंजरी वो हील हो जाएगी। वॉल्वरिन और की जैसे। उससे एक मतलब बंदे को मरवा रहे हैं, फिर उसको वापस बुला ले रहे हैं, फिर एक बंदे को मरवा रहे हैं, फिर वापस बुला ले, ऐसे एक्चुअली ही चल वो रहा है कुछ। चाहे जितना मर्जी बड़ा हीरो है, लेकिन इसके अंदर तो वो किसी दूसरे की हाथ की कठपुतली है। मतलब वो जिसको चाहता है उसकी शेप, उसके चेहरे का, वो उसके अंदर डालता है कि इसने तेरी बीवी को मारा है, और उसको मरवा देते हैं। और कॉमिक बुक का ये सुपर हीरो दिखाया है, तो उसी के हिसाब से मतलब बनेगा। आप कॉमिक बुक में तो आप कुछ भी बना सकते हो किसी को भी, तो वैसा ये मूवी में दिखाया है,
मतलब वो कुछ भी कर सकता है, कहीं से भी कूद सकता है, किसी को भी मार सकता है, गोलियों का असर नहीं हो रहा भाई। तो जैसी फैंटेसी रही है ना, मतलब हर आर्मी की होती है, हर देश की होती है कि ऐसे सोल्जर हों जो मरे ही ना, जो इतने ताकतवर हों कि सबको हरा दें, वैसा कुछ मतलब फैंटेसी जो है इसके अंदर पूरा करने की कोशिश की हुई है। और ऐसी बहुत सारी मूवीज पहले भी आ चुकी है, जैसे वॉल्वरीन देखोगे आप तो उसके अंदर भी ऐसा है, हीलिंग पावर उसके अंदर थी, लेकिन ऐसी पूरी आर्मी तो नहीं थी, लेकिन वो भी आर्मी से कम नहीं है, पूरी पूरी आर्मी को खत्म करते थे एक्समैन के जो है। सर आप अगर वैन डीजल के फैन हो तो मतलब भाई ये मूवी तो नहीं, वैन डीजल देखो एक्टिंग आप देखोगे तो एक्टिंग अच्छी की है, एक्टिंग वैसी नहीं की है जैसे और लोग करते हैं, इनकी थोड़ी एक्टिंग का कुछ अलग तरीका है, अलग तरह की एक्टिंग है, मतलब ज्यादा रियलिस्टिक लगती है मुझे, तो ज्यादा रियलिस्टिक लगती है इनकी एक्टिंग। मैंने तो ज़्यादातर इनकी फिल्में देखी हैं जिनके जिसमें मतलब इनके पास एक ना एक सुपर कार या सुपर बाइक होती है, मतलब आप ट्रिपल एक्स ले लो, उसके पार्ट्स ले लो, वो उसके बाद जो भी ये सीरीज आई है फास्ट एंड फ्यूरियस की, तो भाई साहब ये मतलब उन फिल्मों में ना ये जान बहुत ही जान डाल देते हैं और बहुत ही बढ़िया मतलब लगते हैं, मतलब स्पीड वाली जो ताकत वाली मतलब पावरफुल मूवीज बनती हैं वो वैन डीजल की वजह से बनती हैं। वैन डीजल की एक फैन फॉलोइंग भी है और फैन फॉलोइंग होने का कारण भी है क्योंकि इनकी मूवीज डिफरेंट होती है, ये अपनी एक्टिंग से, अपनी स्किल्स से, अपनी उनकी डायलॉग जो आवाज है उनकी आवाज इतनी हैवी है, आप आई एम ग्रूट जो उन्होंने सिर्फ एक लाइन बोली है लेकिन उसको देखिए वो ग्रूट कितना बड़ा करेक्टर बन गया उसकी वजह से। तो इनकी जो आवाज़ है, बेस है आवाज़ का, बोलने का तरीका है, डायलॉग डिलीवरी है और एक्शन जो करते हैं ये मतलब बिल्कुल ऐसा रियल लगेगा आपको, लगता है कि मतलब जोर लग रहा है तो इसलिए ये मूवी चलेगी। अगर इसको कोई और कर रहा होता एज ए एक्टर तो शायद ये मूवी देखने आधे से भी कम लोग जाते, लेकिन इसको यहाँ पे वैन डीजल कर रहे हैं तो बहुत इस फिल्म के साथ उम्मीदें बढ़ जाती हैं। तो हमें ये ट्रेलर बहुत अच्छा लगा है, आप लोगों को ये ट्रेलर कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको सारी वीडियोस टाइम पे मिल सके। साथ ही अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबाएँ, नीचे लाइक बटन दिया हुआ है, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ अगर वीडियो अच्छी लगी है तो। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।